आज आ रहा हूँ, तू भी चलेगा, वहाँ बहुत ठंड होगी, स्वेटर, मंकी कैप सब कुछ पैक कर ले, लेट्स गो सुबु। अबे जा, लाइफ में सेट नहीं होना है, हमेशा ऐसे ही घूमेगा। ए, चाहे तो कुछ भी बोल, दूध काशी का नाम मैंने पहली बार तेरे साथ सुना था और तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, ये फाइनल है और वो मैजिकल जगह है यार। ए, कोई दाढ़ी रखने वाले और शमशान में बैठने वाले बाबा की बातों पर यकीन कर रहा है क्या? सुबु, बाबा ने कहा था कि वहाँ जाने के लिए नसीब चाहिए तभी जा सकते हैं। जानता है मेरे दादा क्या कहते थे? राजा ने मछली से पूछा, मछली मछली तू सूखी नहीं है? वो भी सच है, ये भी सच है। ये सच में सच है यार, हमें दूध काशी बुला रहा है एक साथ, मैं तो बस यूं ही घूमने निकला था, फिर एवरेस्ट वाले बाबा मुझसे क्यों मिले? वहाँ एक गाइड है जिसका नाम पवन है, उसने मुझे कहानी बताई, उसकी और हमारी कहानी बिल्कुल मैच हो गई। क्या मतलब है इसका? उसका कॉन्टेक्ट नंबर मेरे पास है, कॉल भी किया, सब कुछ सेट कर दिया, मतलब वो जगह हम दोनों को बुला रही है। मुझे क्यों बुलाएगा यार, मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहा है? तुझे बुला रहा है, तू जा ना। हाय रिया, फोन क्यों कट किया था? वो नींद में था ना, तो जल्दी आ जाओ सुबह। हेलो, ऑलरेडी ऑन द वे। पागल जैसा ट्रैफिक है, कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहा, मैं बस आ रहा हूँ 5 मिनट में। ओके बाय। बाबी, डेट है? बता कहाँ जा रहे हैं? कैसा पैराडाइज? वो क्या है, होटल? घर है, खरीद रहे हैं, इट्स अ गेटेड कम्युनिटी, बिना इनविटेशन के कोई नहीं जाता। हमें तो किसी ने इनवाइट नहीं किया, जहाँ कोई बिना इनविटेशन के नहीं जा सकता, ऐसी प्रॉपर्टी में मुझे भी जाना है, आ सकता हूँ? यस। बैठ जाओ। अरे ऋषि, तुम क्या करते हो? कुछ भी। कुछ भी मतलब जॉब नहीं है? क्यों नहीं है, है? फुल टाइम जॉब, 24/7, 365 डेज, एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलती, तुम जानती हो? अच्छा, क्या है वो? जिंदगी, लाइफ यार, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जॉब और क्या हो सकता है? ऐसी कहानियां बताकर लाइफ से अच्छे से बच जाते हो। लाइफ, मैं लाइफ से बचता नहीं, उसे एंजॉय करता हूँ यार। अगर तुमसे कोई पूछता है कि लास्ट टाइम एंजॉय कब किया था, तो क्या बोलोगे? हाँ, रमेश की शादी में थोड़ा बहुत एंजॉय किया था, उसके बाद जब मैं अपनी फैमिली के साथ नॉर्थ इंडिया गया था, तब मैंने एंजॉय किया था। मुझे जिंदगी में खुशी के बल इतने नीचे जिन्हें मैं उंगलियों में गिल्लू और जिंदगी भर रोता रहूं। आई वॉन्ट टू लिव लाइफ यार, फुली, एवरी सेकेंड। अगर पैसे चाहिए तो? पैसों का क्या है, कमाने के लाखों तरीके हैं। Hello, welcome to Casa Paradise. I'm Naina, your hostess. Hello. Today I'll be showing you the property and before entering the property, please wear your shoe mask. Sure. Shoe utar ke aa sakte hain? Aapka plastic bach jayega. Sorry, no barefoot. Management rules. Pehle pata hota to hum apne cover khud pehen ke aa jaate. Sahi kaha na? Chalo. Please. This villa has a private swimming pool with automatic temperature control and it also has a special feature which is inbuilt. Bechara, kya hua ise? This is an imported eco banitry from Japan. Japan? Japan jaisa to nahi lagta, lagta hai zabardasti lagaya hai. Please come in, I'll show you some interesting features. Yeah. Ye samaj bechare ek ped ko ped ki tarah nahi jeene deta. Also we have 24 hours consign service and the entire marble flooring is directly imported from Italy. All this wall furnishing designs are from England. This furniture is from Paris. State of the art security system is from Germany. State of the art ka matlab? What about that? Yeah, I'll show you. Please come. I think I made it. You made it? Yaar ek correction hai. Ek diwar tod denge to mast cricket khel sakte hain. Straight wall 4, ek tappe pe out. Kya cricket? Haan. Wo glass kitna costly hai janta hai? Haan, usko laga to out. ए, घर तेरा ही है, पहले बैटिंग तू कर लेना। ये डिजाइनर शाइन लाइट स्पेशली बेल्जियम से ऑर्डर की हैं। इसका मतलब इंसानों को छोड़कर इस घर में इंडिया का कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? यस सर, ऐसा लगेगा आपको क्या फॉरेन में है। वेरी गुड। टॉयलेट्स, फिटिंग्स, एवरीथिंग, सब कुछ इटली से है। एंड डिजाइनर टॉयलेट पेपर्स भी हैं जो इटली से। बहुत ज्यादा हो रहा है यार, डिजाइनर का क्या मतलब है? यूज के बाद सजा के रखोगे क्या? Sir, you may not be aware of all these comforts, but nowadays people are expecting all these things. Oh, my phone. Excuse me. Hello? परसों की फोटो का इतनी गंदी है? का खाना खा रही हो या नहीं? सुन रही हो या नहीं? सब प्लीज उन्हें बोलिए ना। सब प्लीज। परेशान हो रहे हैं। सब बोलिए ना यार। क्या कर रहा है तू भी? आवाज ही नहीं आ रहा है। मेरा फोन। माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, फोन रखो। क्या बात है मैडम, हमो से तुम अपन नाम छुपा रहे थे, ये नाम तो रुपए बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। नैवेद्य नागमणि, शॉर्टकट में नैना। नागमणि, कितना प्यारा नाम है, फिर ये नैना वाला नाम क्यों रखा है? हम कंटिन्यू करें? या। व्हाट अबाउट दिस स्लम ओवर देयर? दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम मैम, ये स्लम, झोपड़े, लोग कोई नहीं रहेगा बाद में, कमिश्नर से बात भी हो चुकी है।
तो ये लोग कहाँ जाएंगे? वो तो पता नहीं सर, पर इन्हें इन सब की आदत है। सही कहा, गरीब की एंडिंग अमीर की बिगनिंग होती है। सर, यू लाइक द प्रॉपर्टी मैम? आई लाइक इट। व्हाट? नहीं सर, बट सर वो अब लेकिन ठीक है, आ रहा हूं सर। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहे सर। असल में दो दिन पहले की तो बात हो। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सबके मना करने पर भी तुम पर भरोसा किया, इतने पैसे खर्च हो गए, कुछ भी नहीं बोला, तुम्हें अपनी बेटी का हाथ भी दे दिया। ये पैसे की बात भी छोड़ दो, मेरे कंपनी की इज्जत, मेरा नाम सब सड़क पर ले आए। सर ऑलरेडी मैंने पैसा भेजने के लिए बैंक के डिटेल्स भी लिए थे, इतने में ही ये सब। तुमने रमैया को कमजोर समझ लिया था, तुमसे पहले उसने शेयर्स खरीद लिए। नो प्रॉब्लम, सबसे गलती होती है। तुम्हारे मामले में मुझसे भी गलती हो गई, इसलिए सब कुछ भूल जाता हूं। सर मैं रामैया से बात करता हूं, आई कैन फिक्स दिस। नहीं किया तो तुम्हारा करियर ही नहीं बल्कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। सर रिया, सर इमरजेंसी है सर, मेरी सासू माँ बहुत बीमार है सर। कीर्ति, वो सारी बोरियां कहाँ रखी हैं? सब वहाँ रखी। एक्सक्यूज मी, मुझे रामैया से मिलना है। रामैया नहीं, रामैया जी कहकर पूछो तो बताऊंगा। ओ ठीक है, रामैया जी से मिलना है मुझे। चलिए। साहब जी, आपसे मिलने के लिए आए हैं। हेलो सर, मैं सुब्रमण्यम हूँ। आपने नाम तो सुना ही होगा, पता नहीं था आप इतने सिंपल रहते हो। इनफैक्ट हम पहले ही मिलकर बात कर लेते तो इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती। सो हियर इज एन ऑफर, आप चाहो या ना चाहो मैं आपके पास एक प्लान लेकर आया हूँ। प्लान तो भगवान के होते हैं हमारे नहीं। सर आपकी कंपनी को 4 साल से फायदा नहीं हो रहा है, इस डील की जरूरत मुझसे ज्यादा आपको है। मेरे दादाजी हमेशा यही कहा करते थे, प्रकृति हमें उतना ही देती है जितनी हमें जरूरत होती है। तुम पढ़े लिखे हो ना, इंग्लिश में बताता हूँ। नेचर गिव्स अस इनफ फॉर आवर नीड, नॉट फॉर आवर ग्रीड। हमें हमेशा ही कमी रहती है, एक कार होगी तो दूसरी कार की, एक सेल होगा तो दूसरे सेल का, जितना है उससे ज्यादा पाने की। बिल्कुल सही कहा सर, हमारे हिसाब से हमारी जरूरतें बढ़ती जाती हैं। इसके लिए खेती करने के लिए हमने बैलगाड़ी की खोज की, उसके बाद हमने कार की भी खोज की, कार से काम नहीं चला तो हवाई जहाज भी बना दिया। कितनी भी खोज कर लो, धरती उतनी ही है, चलना भी इन्हीं पैरों से है। फिर से सही कहा सर। सर आपकी बीजों की कंपनी है, आपके कहने के मुताबिक बीज भी अगर मैं जितना हूं उतना ही ठीक हूं कहकर उगेगा, नहीं तो क्या होगा सर? वो खुद के लिए नहीं उगते, हमारे लिए उगते हैं। तुम खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की अभिवृद्धि के लिए सोचो। मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। मेरी बातें तुम्हें अभी समझ में नहीं आएंगी बेटा। साहब सारे बीजों को डिस्पैच कर दिया है। ओके सर, डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। आप देख लीजिए, आपको जितना चाहिए उतना प्राइस दूंगा। एमडी के तौर पर आप जब तक चाहो कंटिन्यू कर सकते हो, आपकी कंपनी का नाम भी रमैया ही रहे ऐसी मैं उनसे बात कर लूंगा, बस सिर्फ पेपर्स में ही बदलाव रहेगा। सर वैसे भी आपको इस उम्र में खेती या बिजनेस संभालने की क्या जरूरत है, बच्चे तो ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं, कंपनी बेचोगे तो बहुत सा पैसा मिलेगा। आराम से सुबह उठकर पलंग पर बैठकर अखबार पढ़कर शाम होते ही नाती पोतों के साथ खेलकर उन्हें कहानियां सुनाकर अपनी जिंदगी आप आराम से बिता सकते हो ना सर? तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा तो ये काम करोगे क्या? मुझे जितना चाहे उतना पैसा मिलेगा तो मैं जॉब क्यों करूंगा सर? मैं करूंगा, मेरे पास चाहे जितने पैसे हो मैं ये काम करूंगा। मैं पैसे के लिए ये काम नहीं कर रहा, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पैसे मिल रहे हैं। वो बात नहीं है सर। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, मेरे भरोसे हजारों लोग काम कर रहे हैं, लाखों लोगों का व्यवसाय चल रहा है। तुम चाहे जो भी कहो, दिस कंपनी इज नॉट फॉर सेल। सुबु सुबु सुबु, गुड न्यूज सुनकर शॉक हो जाओगे। क्या है वो? कल हम दूध काशी जाने वाले हैं।
ठीक है यार, कल नहीं तो परसों चले जाएंगे। अरे पागल हो रहा हूं यहां मैं, और तू दूध काशी किए जा रहा है। यहां लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इतने सालों का काम, प्लानिंग, सब कुछ वेस्ट हो गया। वो रिया भी फोन नहीं उठा रही है। इतना सा काम करके कंपनी में पार्टनर बनने ही वाला था, सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया मतलब कल से तुम बिल्कुल फ्री हो? तो दूध काशी चलते हैं। ठीक है यार, ओके, चीयर अप। तुम सुबह हो, हार नहीं मानोगे, डोंट गिव अप, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो, ये सब क्या फैला रखा है? ये सब वेस्ट है यार, ये सब तो 50-100 के चिल्लर शेयर्स हैं। ये सब वेस्ट है क्या? राजकुमार, 35 शेयर्स वेस्ट। सुनीता, एज 63, ये तो सच में वेस्ट है। कृष्णमूर्ति, 100 क्लास ए शेयर्स वेस्ट, सॉरी, ए क्लास वेस्ट। अभी क्या कहा? दूध काशी जाना। अरे वो नहीं, अभी थोड़ी देर पहले, अभी। कृष्णमूर्ति, 100 क्लास ए शेयर्स। क्लास ए शेयर्स का मतलब 180,000, पूरे 1,00,000 शेयर्स। एक बार दे तो मुझे। दूध काशी चलेगा तभी दूंगा ये। एक, सच में वो क्लास ए के शेयर्स हुए तो दूध काशी क्या जहां बोलेगा वहां चलूंगा। ला। रेशे, देख, बचपन से मैंने तुझे अपना दोस्त माना। कृष्णमूर्ति, इसमें तो एड्रेस भी है, चल चलते हैं। हे, इस वक्त जाएंगे तो चोर समझेगा मैं। क्या? अच्छा, चोर समझेगा, तो कल सुबह चलें। ए, मैं पार्टी दूंगा। चल ताज में चलते हैं। ताज में नहीं, मैं एक खास जगह लेकर चलता हूँ। दूध काशी, कम से कम उसके नाम पे तो पियो। बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, पूरा सिर घूम रहा है। अभी तो एक ही क्वार्टर हुआ है। क्या मतलब? तू मतलब की बातें छोड़ दे, कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। इंटरेस्टिंग है? रिया कैसी, ये बता। रिया? हाँ। बताता हूँ। रिया बंजारा हिल्स में पैदा हुई, अमेरिका में फैशन डिजाइनिंग सीखा, पेरिस में मॉडलिंग की, पशुपति ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की इकलौती वारिस है। वो परफेक्ट है यार, एकदम परफेक्ट। मैंने तुमसे लव स्टोरी पूछी थी, बायो डाटा नहीं। अच्छा, प्यार क्या होता है? प्यार 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 यानी रिया, रिया यानी जिंदगी, जिंदगी यानी लैडर, लैडर से ही जिंदगी आगे बढ़ती है। बस कर यार, प्यार नहीं हुआ तो जिंदगी रुक जाएगी, शादी नहीं होगी। हाँ होगी, ये बात सुहागरात होगी। और सुहागरात को क्या तुम मजाक समझ रहे हो? ये हर इंसान की जिंदगी का खास दिन होता है। अब कैसे समझाओ? ये तुम समझो, ये रिया है, तुम दोनों मिलकर कहाँ गया?